Hey, I'm Shilpa and welcome back to my channel. वैसे आज का व्लॉग है मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट हैमर जो कि पार्क स्ट्रीट में है. मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के साथ, मतलब जा चुकी हूँ अपनी कज़न के साथ एंड तो उसी बारे में है ये व्लॉग. इट्स अबाउट दैट रेस्टोरेंट, उधर कैसा एनवायरनमेंट है एंड हाउ वी स्पेंड आवर डे ओवर देयर, ये सब है. और वैसे बाय द वे हम लोग गए थे फेव में, आई थिंक क्या सो फेव में गए थे. अभी छोड़ रही हूँ या बिकॉज मेरा बहुत सारे व्लॉग पहले ही मतलब डाल रही थी तो ये व्लॉग डाल नहीं पाई, इसलिए अभी डाल रही हूँ. एंड इफ यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. वीडियो स्टार्ट करते हैं. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी जाएंगे बाहर. आप लोग भी चलिए साथ में. एक्चुअली हम लोग निकले थे दूसरे रेस्टोरेंट में जाने के लिए जिसका नाम है OTM, बट यू विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. मेरा नाम देख के मैं तो बड़ी खुश हो गई थी. बैठ जाते हैं इधर थोड़ा, क्योंकि ना हम लोग फिर से सेम प्लेस पे आ गए. मतलब इसके बर्थडे पे हम लोग जहाँ आए थे इधर बस रेनोवेट करके दूसरा नाम ले लिया. मतलब दूसरा नाम पे क्या है नाम? OTM. नाउ गोइंग टू सम अदर लोकेशन. कहाँ जाएंगे? लेट्स सी. ऐसा हो जाएगा पता नहीं. बहुत बहुत बेवकूफ बनाया हम लोगों ने. अब फिर से सेम प्लेस में तो जाने का मन नहीं था, इसलिए दूसरे प्लेस पे ही जाएंगे. मिरर सेल्फी ले लेते एटलीस्ट कुछ तो. रास्ते पे ये शॉप दिखा एंड चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. फिर ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसलिए वरदान मार्केट के बाहर ही पाव भाजी खाने बैठे. क्या था? मैं तो भूल ही गई. हाँ तो अब भूख लग रहा था, क्या करें, इसलिए आगे पापा जी खा लेते. तो खा लेते उस बार मिलते. तब ना पाव भाजी वाले भैया बोल रहे थे कि वीडियो ठीक से आ नहीं रहा है, मतलब तुम दोनों का फेस आ नहीं रहा था, इसलिए पूछ रहे थे. एंड जो भी हो बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था हम दोनों को. एंड
फाइनली हम लोग हैमर पहुंच गए और हम लोग रूफटॉप में आए हैं। इवन अंदर भी बैठने का जगह है बाय द वे। मुझे तो ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा एंड इसका दो फ्लोर में ही ये है। ऑल्सो रूफटॉप भी दोनों प्लेस में है। हम लोग ऊपर एकदम ऊपर वाले रूफटॉप में है। इसके नीचे भी और एक रूफ है जहाँ पे सिटिंग एरिया है। फिर और क्या, हम लोग का वीडियो शूट फोटो शूट फिर से स्टार्ट हो गया। इस डिश का नाम है वेज डंपलिंग कंग पाओ। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया दो मॉकटेल्स। इसमें है नूडल्स, मोमोस एंड पनीर भी एंड ऑल्सो बेबी कॉर्न। सो GST एंड अदर चार्जेस मिला के टोटल बिल हुआ 1,268 रुपीज। वेल, खाने का टेस्ट अप टू द मार्क नहीं था जैसा कि सोचे थे। इवन प्राइस भी ज़्यादा था बट टेस्ट अच्छा उतना नहीं लगा। बट मॉकटेल्स फिर भी ठीक था। देन हम लोग पहुंच गए लाइट रूम जो कि इसी बिल्डिंग में है जहां पे हैमर है, थोड़ा चिल करने, डांस करने। वैसे हैमा काफ़ी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो एंड द फूड्स ऑल्सो। एंड अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ आइडिया मिला होगा तो लाइक ज़रूर दे देना। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। बाय।